अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज मैं जा रहा था अपनी कार का रजिस्ट्रेशन कराने, और जैसे मैं अभी अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, वो कुछ देर में रूम से बाहर आने वाला है, तो उसके साथ मैं निकलता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस कि कार का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कैसे करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी कार के पास में, और मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूं। उसको थोड़ा टाइम लग रहा है आने में। हाँ भाई, वाले सलाम, क्या हाल है भाई? सब ठीक ठाक है यार। कहाँ का प्रोग्राम है? हाँ, तो ये हैं बासी साहब। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? आज कहाँ का प्रोग्राम है, कहाँ लेके जा रहे हैं? बताया ना रूम के अंदर तुमको, चल रहे हैं कार रजिस्ट्रेशन के लिए। और कहीं नहीं जाएंगे फिलहाल, अभी दिन भर उसी में लग जाएगा। आज मौज बड़ी अच्छी रखी है यार। घर पे बैठे हुए शेव करने का, कहीं जाना ही नहीं था, तो इसलिए हमने कहा पढ़ने दो। तो अब हम लोग कार में बैठ चुके हैं, तो बस किधर चलना है बताओ रजिस्ट्रेशन के लिए, किस जगह जाए? अल खैल जाए, अल बरशा, अल कैसे? चलो तस्जील चलते हैं। तस्जील? लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में कहां करवाया अपनी कार का? मैंने तो तस्जील में अल कैसे में कराया था। अल कैसे करीब है, 24 आवर्स है वहां पे। तो वहां पे चलो। तो क्या क्या प्रोसेस है तुम्हें मालूम है प्रोसेस? सबसे पहले तो तुम्हें गाड़ी की टेस्टिंग है यार, ऑलरेडी तुम करा चुके हो। नहीं, फिर भी अपने व्यूअर्स को बता दिया जाए ना कि क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि तुम अभी जस्ट न्यू कराए हो ना। मुझे कराए एक साल हो चुका है। सबसे पहले तो तुम्हें गाड़ी की टेस्टिंग कराना पड़ेगा। टेस्टिंग वही तस्जील में? तस्जील में। ओके। उसके होने के बाद फिर तुम्हारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो करा ही चुका हूँ मैं। तो फर्स्ट चलते हैं, पहले कार तो वॉश करा ले यार। पहले हाँ, कार वॉश चलते हैं। कार वॉश पे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं कार वॉश कराने के लिए। तो पीछे कार मेरी क्लीन हो रही है अभी, तो अभी कुछ देर वेट करना पड़ेगा, कार वॉश होती फिर यहाँ निकलते हैं हम लोग सीधा तस्जील के लिए। तस्जील के लिए हम लोगों ने करा लिए कार वॉश, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं तस्जील की तरफ। जस्ट मैंने अभी गाड़ी वॉश कराई, और देख सकते हैं आप सामने स्ट्रॉम आ गया है। गाड़ी वॉश कराना बेकार हो गया। नहीं, फिर भी बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे तस्जील की तरफ, क्योंकि कार पास कराना जरूरी है। आज छुट्टी है मेरी, देन अगेन ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं पहुंच चुका हूं व्हीकल टेस्टिंग सेंटर पे, यानी तस्जील पे। अब मुझे यहां अपना मुल्किया देना पड़ेगा, देन मुझे यहां पे नंबर मिलेगा, देन मेरी गाड़ी जाएगी टेस्ट के लिए, और ये पूरी गाड़ी टेस्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट कुछ आता है तो गाड़ी फेल हो जाती है। तो आपने देखा मैंने मुल्किया दिया, मुल्किया देने के बाद मुझे टोकन मिला है। तो नंबर 4 लाइन पे मुझे जाना है, नंबर 4 लेन पे मुझे जाना है। तो अभी देख सकते हो आप, अभी मैं कैमरा स्विच करता हूँ, आप देखना बहुत लंबी लाइन लगी है, शायद मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये है टेस्ट बे, यहाँ मेरी गाड़ी जाके टेस्ट होगी अभी, और आप लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। चुके हैं अंदर वेटिंग एरिया में। गाड़ी मैंने छोड़ दी टेस्टिंग बे में, वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, तो अभी हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं, देखते हैं अभी सर्टिफिकेट कब तक मिलता है। तो दोस्तों
बज चुके हैं 3 और मुझे तकरीबन लग गए 2 घंटे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने आपको फुल प्रोसेस दिखाया, लाइव प्रोसेस दिखाया, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी खुद रिन्यू कराने आया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो बनाई जाए, आपके साथ चीज़ शेयर की जाए। तो आपने देखा मैंने फर्स्ट गाड़ी वॉश कराई। वॉश कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वॉश करा लेते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि आपकी गाड़ी क्लीन रहती है। वॉश कराने के बाद मैं लेकर के आया तस्जील में यहाँ मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन हुआ। मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी इंस्पेक्शन सेंटर पे। उन्होंने मेरी गाड़ी चेक की, फर्स्ट टायर चेक किया, फिर पूरी बॉडी चेक की। वो मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि अलाउ नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है। टेस्ट होने के बाद फिर मुझे सर्टिफिकेट मिला। मैं अंदर गया मेन सेंटर के अंदर जहाँ मैं बैठा हुआ था, वहाँ जाकर के मैंने पेमेंट की। 170 मुझे पे करना पड़ा व्हीकल टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि उसकी फीस 170 है। अगर गाड़ी फेल हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो आपको फिर भी 70 पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस के अलग अलग चार्जेस हैं। इंश्योरेंस कराने के बाद देन आपको जाना पड़ेगा मुल्किया के लिए, यानी कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए। तो मैं गया व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए, मैंने वहाँ पे 425 पे किया। पे करने के बाद देन मुझे मुल्किया मिला। तो आपने देखा मेरी पूरा प्रोसेस, मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया। इस तरह से गाड़ी रिन्यू होती है यहाँ पे दुबई में। सेफ्टी नंबर 1 है यहाँ, सेफ्टी सबसे पहले मानी जाती है। इसलिए आपको हर साल यहाँ पर गाड़ी आपको इसी तरह से व्हीकल टेस्ट कराना पड़ता है, गाड़ी पास करानी पड़ती है, तब आप गाड़ी रोड पे चला सकते हो। तो इंश्योरेंस के बारे में बता दो, इंश्योरेंस यहाँ करा सकते हैं या बाहर से करा के आ सकते हैं? इंश्योरेंस आपके ऊपर है, आप चाहो बाहर से करा लो, चाहे आप यहाँ करा लो। थोड़ा यहाँ कॉस्टली पड़ता है इंश्योरेंस। आप चाहो तो बाहर नेट पे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, उनसे पता कर सकते हो, आप कोटेशन ले सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो कहीं जाके इंश्योरेंस के। तो जहाँ आपको सस्ता पड़े वो इंश्योरेंस आप पहले भी इंश्योरेंस करा सकते हो। तो जैसे मैंने किया, मैंने पहले इंश्योरेंस ऑलरेडी करा लिया था। इंश्योरेंस कराने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया। लेकिन ये सर्विस सेंटर मुझे लगता है टेस्टिंग सेंटर सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ए टू जेड सारी सर्विसेज अवेलेबल है। हाँ, करेक्ट। तो ये हम लोग इस वक्त अलकैसिस में, राइट? अलकैसिस है, और ये अराउंड द क्लॉक ऑपरेशन है। गुड गुड, बिल्कुल सही बोला बासित ने। ये 24 आवर्स ये ओपन है। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको हर चीज फैसिलिटी अवेलेबल है, इवन इंश्योरेंस है या कोई भी प्रॉब्लम है, सब आप एक ही जगह पे आकर के पूरी गाड़ी आप पास करा सकते हो, अपने नाम करा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी बात कहनी या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपका दोस्त अली। खुदा हाफिज़।